गाँ निकटे रही कुकुड़ा फार्म को उच्छेद करने शताधिक ग्रामवासी आज ढेंकानाल जिलापा कार्यालय अभिमुखे आदि कह से दीर्घ दिन दाबी रही जो महुलपुंजी गाँ रही भापुर पंचायतर से गाँ निकटे जो कुकुड़ा फार्म रही दुर्गंध करुच्ची जहाँफल से जो जनबसति रही जो लोक मैंने बसवास कर भलने चल पार ना तो गाँ लोक आताधिक महिला और पुरुष मैंने सहित आलोचना करवा कौन कह के सब जिनस कुकुड़ा फार्म आज पांच छः वर्ष है कि छः वर्ष है आम प्रशासन द्वारस्थ होती आमर कौन सुफल मिलूनी कितु आम त्रिस तारीख भोट बर्जन करूँ से जिलापाल उपजिलापाल आई आई सी उपस्थित थी सृष्टि आग्रो फार्मर डायरेक्टर लिखित प्रतिश्रुति कुकुड़ा फार्म आम दूर को हटे नबु किंतु तीन मास गत हो जाते सुधा आज पर्यटन से कौन से प्रकार सुविधा कले तेणु बाध्य गाँव लोक मैंने आसी सात दिन भितर जदि यार किसी प्रतिकार करा न जाए तो अवस्था को ओल्लू ना आत्माहुति देवा कहीं पचेबू ना कौन असुविधा असुविधा हूँ कुकुड़ा मल पा आसिक पोखर मिशुची वायु द्वारा गंध व्यापू से जमी धान नष्ट हो मल टणटिया मछी आई खाद्यर पाठपढ़ व्यवघात घटू छोट पाने जो पाठ पढ़ुं खाद्य बसुँ खाद्य खाई चर्म रोग से समस्त आक्रांत हो गाधवा तो दूर कथा मेडिकल को लोक मान पैसा पत्र अभाव तेणु आमर दाबी हूँ कुकुड़ा फार्म हटू किपर हटु सात दिन भितर जदि यार किसी प्रतिकार न कराए आम राजस्त खोल बाध्य हम मैडम कौन कहे के दूर गाँव ठू कुकुड़ा फार्म रही है कौन अल्प दूर अल्प दूर पाँच मीटर दूर से जो फार्म टी गंधे घर दुआर रही हो पिला माने भी भात बाढ़ अन्न बाढ़ नाली नाली नेली नेली माछी सब थाली जाक भर्ती होकर बसुंतापर बहुत प्रकार गंध हो रही हो केमिति आम ये रहीबू देढ़ मसे टाइम ने कलेक्टर जापर कहला मुझे कुकुड़ा फार्म हटेबी आज पर्यंत किलानी जदि सात दिन भितर न बुझे आम आस यी आत्माहुति देवु आउ आमको अन्य उपाय ना घरे गले मरबू कि मरबू मरबू आमर जघन्य शपथ यही जगार ही प्राण हत करू मैडम कौन कहे जो इलेक्शन होता है पंचायत इलेक्शन आप गाँव लोक भोट बर्जन करते आपको प्रतिश्रुति मिलता है कुकुड़ा फार्म उठो कि उठी पार्लानी ना सर मुझ बासंती महाराणा आम घर महुलपुंजी आमर जो भोट बर्जन करते आम गाँव में शासनकर्ता सब जाते आमको कथा देते आमर गोटे मस से महल तो नहीं महल तो नाला कहले आम भोट तुम दि आम से कथा बुझू गोटे मस पर आसिक चारिमास कौन आम उपस्थित आम कथ कौन प्रकार बुझे सीए भी गालू करम कथा से एकमत होमर कुकुड़ा फार्म कथ कि कले तेणुक आम पिला छुआ पर गाँ बिल बारी गहीर पा सबकि मानने बहुत असुविधा हो नष्ट हो सब परेश दूषित हो तेणुक आम गाँव बाला मानक सी मानने दुर्बल देखिकिना मानने कौन सी एकत्रित कम से बुझुना तेणुक आम गाँव बाला एकाठी होकर आज आसीचु जदि आम गाँ बाला कथा आज शासनकर्ता आम कथ कि बुझे ना गोटे सप्ताह आम टाइम नहींचु सप्ताह पर आम जहाँ करवा कथा करास्ता को ओल्लू आ कौन कौन कहे आप पूर्व जिलापा जन विषय कि जिलापा किसी कार्युषान नौना कहीं नौना भाव सीए टा देखिए कंपानी कंपानी टंका देकिन कलेक्टर अफिस मुह बांधिक रखी आम कथ कौसी कथ बुझुना से किसी कौन कथ बुझुना सीए कौन कलेक्टर आम जो जनईलु भोट बर्जन सका सीए कौन मुोट मत सी खाली करते प्रतिश्रुति देते तुम्हें भोट दब बोली तुम्हें जब भोट न भोटा पाइबार सका सी मत प्रतिश्रुति देते मत कंपानी भांगे को सी प्रतिश्रुति छाड़ी कंपानी भांगे कहतु ना से कंपानी रही आम गाँ रही सी कलेक्टर लिखी दिखे खाई अंडा कंपानी वाला कलेक्टर टंका से कलेक्टर अफिस कथा किसी बुझुना बहुत लोग हईरा बहुत लोग मरी जाए आम तो गरीब लोक आम कलेक्टर अफिस की लाच दे पार कि अंडा कंपानी वाला सी अच्छी ना से धमक दौर कौन कलेक्टर करमें जा कलेक्टर अफिस वाला कौन कर आगे उन्नति करी।
ସେ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଗାଁ କଥା କିଛି ବୁଝୁନି ସେଥିପାଇଁ ଗାଁ ବାଲା ଆମେ ଆସି ଭୋକ ପାଶରେ ଆସି ଯେଉଁ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ଖରାରେ ସିଝୁଛୁ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ କି ଆମର ଅନୁରୋଧ ବହୁତ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ ସେ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ହିଁ ବାଟ କରନ୍ତୁ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଥିଲା ଏବଂ ଦାବି ରହିଥିଲା ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ମହୁଲପୁଞ୍ଜିର ଗ୍ରାମବାସୀ ଶତାଧିକ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷ ଆସି ଏଠାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଗତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଗାଁ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା ବୁଝିବୁ ମାତ୍ର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ 2 ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସମୟ ପୁରୀ ଯାଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କ କଥା ରଖିପାରିଲେନି ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପୁନର୍ବାର ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ରହିଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ସେଠାରେ ଯେଉଁ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ରହିଛି ଗାଁ ନିକଟରେ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉ ନହେଲେ ନାହିଁ ସେମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ବିପ୍ଲବ ରାଉଳ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍